क्या एमपी से खुलेगा अहीर रेजिमेंट बनने का रास्ता? जय श्री कृष्ण भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यादव सरकार पर। एमपी यानी मध्य प्रदेश में अगर यादवों की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 80 लाख है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 11% है। और विधानसभा की 230 सीटों में से 26 सीटों पर सीधा प्रभाव रखते हैं। मतलब जब कांटे की टक्कर हो तो और यादवों की एक तरफा वोट किसी पार्टी को मिल जाए तो उसकी सरकार ही बनेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एमपी के यादवों ने अहीर रेजिमेंट की मांग को आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। लोकतंत्र में सरकार भीड़ के आगे झुकती है और इस भीड़ की ताकत का एहसास कराने के लिए बीते 26 फरवरी को भोपाल में यादवों ने अहीर रेजिमेंट की बड़ी रैली करी। उस दिन कई किलोमीटर लंबा गाड़ियों का काफिला जब भोपाल में घुसा तो सरकार और प्रशासन की आंखें फटी की फटी रह गई। लगभग 1 लाख यादव भोपाल में इकट्ठा हुए और राज्य तथा केंद्र सरकार को चेताया कि यादवों के लिए अहीर रेजिमेंट से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। उस रैली का असर इतना जोरदार था कि लगभग 2 दर्जन सांसद और विधायकों ने देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर अहीर रेजिमेंट के गठन करने की मांग की। गांव-गांव अहीर रेजिमेंट के लिए लगते बोर्ड, दीवारों पर लिखे जा रहे नारे, सामाजिक कार्यक्रमों में बार बार अहीर रेजिमेंट की बात आम होना, फिर फरवरी में एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग करी। मार्च में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने अहीर रेजिमेंट की मांग कर डाली और अप्रैल में यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री ने भोपाल में आकर अहीर रेजिमेंट की मांग को फिर समर्थन दिया। जब अपने राज्य और आस पड़ोस में अहीर रेजिमेंट का मुद्दा इतना हावी हो रहा है तो एमपी की बीजेपी सरकार को दबाव के कारण मजबूर होकर यादवों को बातचीत करने के लिए बुलाना ही पड़ गया। और 10 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अहीर रेजिमेंट की लड़ाई लड़ रहे सामाजिक योद्धाओं को अपने घर मीटिंग में बुलाया। ये मीटिंग लगभग 40 मिनट चली और मुद्दा था भोपाल रैली में सरकार से की गई 4 मांगे, जिस पर मुख्यमंत्री ने 3 पर अपनी पूर्ण सहमति दे दी है और अहीर रेजिमेंट पर उसके उच्च स्तर पर उठाने की बात कही है। वो 4 मांगे और मुख्यमंत्री का जवाब इस तरह है। पहला, भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो, इस हेतु राज्य सरकार प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजे, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बताया कि भोपाल में आज शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम है, उसमें मेरे द्वारा उनसे चर्चा करने उपरांत आप लोगों को अवगत करवाता हूँ क्या हो सकता है इसमें। दूसरा, भोपाल में रेजांगला स्मारक बनाया जाए, जिससे हर साल 18 नवंबर को शहीदों की वीर गाथा आम जन को सुनाई जाए और शहीदों को सम्मान दिया जा सके, जिसके लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने घोषणा की कि शहीद स्मारक में ही रजांगला स्मारक के लिए अतिरिक्त स्थान दिया जाएगा। तीसरी, मध्य प्रदेश सरकार के पाठ्यक्रम में राव तुलाराम जी को शामिल करते हुए बच्चों को क्रांतिकारियों की वीर गाथा पढ़ने अवसर प्राप्त हो, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने सहमति देते हुए पाठ्यक्रम में जुड़वाने के लिए सहमति दे दी है। चौथा, इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी में राव तुलाराम जी की मूर्ति स्थापित की जाए, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति देते हुए मूर्ति स्थापना हेतु जल्द तारीख की घोषणा करने का आश्वासन दे दिया है। अगर देखा जाए तो भोपाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ हुई ये मीटिंग मंजिल की तरफ पहली मजबूत
कड़ी मानी जा सकती है। केंद्र में बीजेपी की सरकार और फिर एमपी में बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा इस मुद्दे पे अपना समय देना और समर्थन देना कोई छोटी बात नहीं है। हो सकता है इसमें केंद्र सरकार से भी निर्देश आए हो, क्योंकि अहीर रेजिमेंट आखिरकार केंद्र सरकार का ही तो मुद्दा है। खैर, ये तो समय बताएगा कि ये लॉलीपॉप है या फिर सही में बीजेपी सरकार गंभीर है इस मुद्दे पर। लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है, बीजेपी को वोट तभी देंगे जब वो अहीर रेजिमेंट बनाएगी। और आखिर में मैं आपको उस चेहरे से मिलवाता हूँ जिन्होंने आज यादव समाज को वहाँ खड़ा कर दिया है जहाँ से यादव अब सीधा सरकार को चुनौती देने लगे हैं और सभी पार्टी यादवों को अपनी तरफ खींचने लगी है। वो महान शख्स है भाई सुनील अहीर। अहीर रेजिमेंट आंदोलन की एक कामयाब खोज वो हीरा जिसमें कोई राजनीति नहीं है, ना पद की, ना मंच की, ना माइक की, ना माला की। अहीर रेजिमेंट आंदोलन के लिए महीनों महीनों अपने घर से दूर रहकर एक एक गांव में घूम घूम कर जन आंदोलन बनाने वाले भाई सुनील अहीर एक मिसाल है। एक लक्ष्य, फिर उसकी प्लानिंग, उस प्लान को जमीन पे उतारना, सबके साथ समन्वय बिठाना, प्रचार प्रसार आयोजन और आयोजन के बाद उठाई गई मांगों को मनवाने के लिए लगातार संघर्ष और जतन करना, ये सब को उनको लीग से हटकर खड़ा करते हैं। ना केवल अहीर रेजिमेंट बल्कि समाज के महान पुरखों को उचित सम्मान के लिए भी लगातार काम करते आ रहे हैं। भाई सुनील अहीर के जज्बे को हमारा क्रांतिकारी प्रणाम। भोपाल रैली से पहले आज बाद में भी कुछ बड़ी रैलियां हो चुकी है, लेकिन एक दिन को रैली के बाद कुछ नहीं हुआ। मंच से जो भी घोषणा या मांग उठाई गई उस पर किसी ने काम नहीं किया, बस माइक हाथ में लेकर लंबी लंबी छोड़कर सब चले जाते हैं। हजारों लाखों की भीड़ के आगे जोश जोश में मांग तो रख दी, लेकिन उसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसी रैलियों के आयोजकों से हम कहना चाहते हैं कि एमपी का सुनील अहीर बिना किसी संगठन के, बिना किसी के चंदे से अपनी सरकार के सामने अपनी सरकार को मजबूर कर सकते हैं बातचीत के लिए, तो फिर आप क्यों नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने नाम के लिए नहीं बल्कि समाज के नाम के लिए लड़ता है। जो कहता है वो करता है, अपने फायदे की जगह समाज के फायदे की सोचता है, ना झूठ बोलता है और ना बहानेबाजी करता है। उम्मीद है कि एमपी से बाकी इलाके के लोग जरूर कुछ सीखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। जय यादव, जय माधव, अहीर रेजिमेंट हक हमारा। रक्षा मंत्री की पता है, ये संयोग है कि आज ये आप आए और रक्षा मंत्री जी भी आज बता रहे हैं। तो आज शाम को ही मैं उनसे चर्चा करूंगा, जो पहली अहीर रेजिमेंट की जो अपनी मांग है उसके बारे में। तो आज चर्चा तो आज ही करूंगा, कैसे आगे बढ़ता है विषय उसको हम उठाएंगे। दूसरा, देजांगला युद्ध स्मारक की बात आपने कही है, तो हमने स्वर्य स्मारक भोपाल में बनाया हुआ है। स्वर्य स्मारक के एक हिस्से में हम देजांगला युद्ध स्मारक की स्मृति में बना लेंगे। तो मैं समझता हूँ वो स्थान ऐसा है जहाँ हमेशा स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, बाकी किसी भी अवसर पर शहीदों को